नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। दोहे शुरू करने से पहले हम रहीम जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में करेंगे। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। ये महाराज अकबर के दरबार के प्रमुख सदस्य थे और लेखन के साथ ही युद्ध की कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने और सही रास्ता दिखाने का काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, भरवई, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा आदि हैं। आइए अब अपने दोहे शुरू करते हैं। कही रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कही का अर्थ है कहे, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत, सगे का अर्थ है अपने, बनत यानी बनते हैं, रीत का अर्थ है तरीके, विपत्ति यानी संकट, कसौटी जे कसे इसका अर्थ है बुरे समय में जो साथ देता है, तेई का अर्थ है वे ही, सांचे यानी सच्चे, मीत का अर्थ है मित्र। प्यारे बच्चों, रहीम जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र की परिभाषा दी है। रहीम जी कहते हैं कि जब धन दौलत साथ हो तब तो बहुत से लोग हमारे हितैषी बने रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख में भी हमारा साथ देता है। अगला दोहा देखिए। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मो, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती झो। परे का अर्थ है पड़ने पर, जल यानी पानी, जात का अर्थ है जाता है, बही यानी बहना, तजी का अर्थ है छोड़कर, मीनन का अर्थ है मछलियां और मो का अर्थ है लगाव, मछरी यानी मछली, नीर अर्थात पानी, तव का अर्थ है तब भी, छाड़ीति का अर्थ है छोड़ती और छो का अर्थ है प्रेम। इस इनमें जल के प्रति मछली का एक तरफा प्रेम दर्शाया गया है। रहीम जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसके प्राण ले लेता है। आगे है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरवर का अर्थ है वृक्ष, नहीं का अर्थ है नहीं, खात यानी खाते, सरवर का अर्थ है सरोवर और पियत का अर्थ है पीते हैं, पान यानी पानी, पर काज का अर्थ है दूसरों के लिए काम, हित का अर्थ है भलाई, संपत्ति धन दौलत, संचही का अर्थ है एकत्र करते हैं और सुजान का अर्थ है सज्जन यानी ज्ञानी पुरुष। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने विद्वानों तथा सज्जनों के धन संचय के उद्देश्य को दर्शाया है। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और न ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित जल को पीता है। सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरना दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। आगे देखिए, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। थोथे का अर्थ है खोखले या बेकार, बादर का अर्थ है बादल, क्वार का अर्थ है अश्विन माह, ज्यों जैसे, गहरात का अर्थ है गरजते हैं, निर्धन यानी गरीब, भय होकर, पाछली यानी पिछली। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में रहीम जी ने निर्धन होने के उपरांत धनी लोगों के व्यवहार के खोखलेपन को दर्शाया है। रहीम जी कहते हैं कि अश्विन माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है क्योंकि वे बरसात नहीं करते। उसी प्रकार
निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आगे देखिए, धरती की सी रीत है सीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रीत का अर्थ है ढंग या तरीका, सीत का अर्थ है शीत या ठंड, घाम यानी धूप, ओ का अर्थ है और, मे का अर्थ है बादल, सही का मतलब सहना, त्यों वैसे, दे का अर्थ है शरीर। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में रहीम जी ने मनुष्य को पृथ्वी के समान सहनशील बनने के लिए प्रेरित किया है। रहीम जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात, हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। हमारे शरीर में भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सकें, अर्थात सुख और दुख की परिस्थितियों में भी हम एक समान रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।